आके गांधी जी उनके इन्फ्लुएंस में आए, डॉक्टर पीजे मेहता के। डॉक्टर पीजे मेहता ने गांधी जी को इन्फ्लुएंस किया कि देखो तुम यहाँ पे सिर्फ लॉ नहीं पढ़ने आए हो, सिर्फ बैरिस्टर बनने नहीं आए हो, तुम्हें सीखना है कि ब्रिटिशर्स का रहन सहन कैसा है। इनके कल्चर की वजह से ही ये लोग स्ट्रांग हैं, जिसकी वजह से हमारे ऊपर ये राज कर रहे हैं। गांधी जी वॉज इन्फ्लुएंस्ड विद दिस लाइन ऑफ थॉट। उन्होंने एक स्टिंट उनकी लाइफ में आया कि जिसमें उन्होंने इंग्लिश वे ऑफ लाइफ को अडॉप्ट करने की कोशिश करी। आगे चल के हमें पता उन्होंने सिर्फ धोती पहनी, बट देयर वाज अ टाइम इन हिज लाइफ व्हेन ही आल्सो अडॉप्टेड इंग्लिश वे ऑफ लाइफ। फॉर एग्जांपल उन्होंने वायलिन खरीदा, उन्होंने हैट पहनी, उन्होंने फ्रेंच ट्यूटर्स एंगेज करे कि पूरे तरीके से, जैसे बोलते हैं कि देयर इज अ सॉन्ग इन हिंदी, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, ऋषि कपूर की फैमिली में से देयर इज अ पर्सन जिनका वो सॉन्ग था, इफ आई विल रिकॉल किया प्लीज, मेरा जो है जो पानी, समथिंग लाइक दैट। तो उन्होंने भी वो सारी चीजों का इन्फ्लुएंस उनके ऊपर आया। तो उन्होंने अब वो उनको भेजा गया था घर से पैसे मुश्किल से इकट्ठे करके, और वहां पे जाके वो क्या कर रहे हैं, वायलिन सीख रहे हैं, फ्रेंच सीख रहे हैं, फ्रेंच लैंग्वेज सीख रहे हैं, हैट खरीद रहे हैं, सूट खरीद रहे हैं। ये ऐसा कुछ चलता रहा 3 महीने के आसपास तक। 3 महीने के बाद गांधी जी को एकदम होश आया कि मैं क्या कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि अगर कोई इंसान अपनी जिंदगी में बड़ा है तो अपने कैरेक्टर की वजह से बड़ा है, ना कि अपने कपड़ों की वजह से बड़ा है। अगर मेरा कैरेक्टर मुझे जेंटलमैन बनाए देन इट इज फाइन, अदरवाइज आई डोंट वांट टू बी अ जेंटलमैन। उस टाइम उन्होंने अपनी लाइफ में एक चेंज लेकर आना शुरू किया, चेंज टुवर्ड्स सिंप्लीफिकेशन। सी दीस स्मॉल स्मॉल इंसिडेंट्स, दीस स्मॉल स्मॉल लेसंस रिमेंड विद गांधी, और उसके बाद उनकी लाइफ का कोर्स चेंज होता रहा। हमारी लाइफ में भी आते हैं ऐसे छोटे छोटे मौके जिसमें हम कुछ सीखते हैं, शायद हम उनको कुछ टाइम सीखने के बाद छोड़ देते हैं, बट हमें शायद इस लाइफ से ये भी चीज सीखने की जरूरत है कि जो हमारे लेसन हैं हम उनको अपने तक होल्ड करके रखें। जैसे सत्याग्रह, ग्रह मीन्स टू होल्ड। तो उन्होंने इसके बाद सिंप्लीफिकेशन ऑफ लाइफ की तरफ अपने आप को मोड़ लिया। उन्होंने सोचा कि मैं बिल्कुल ही नॉर्मल तरीके से रहूंगा, आई विल लिव लाइक अ स्टूडेंट जो अपना खाना खुद बनाएगा। उन्होंने अपना जो घर था पहले, ही वाज स्टेइंग इन सम हाउस ऑफ अ इंग्लिश लेडी इंग्लिश वे ऑफ लाइफ को सीखने के लिए। देन ही मूव्ड टू अ सेंट्रल लोकेशन इन लंदन, जहाँ पे उनको लगा कि मुझे कहीं कभी भी बस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एवरीथिंग इज नियर बाय, आई विल गो वॉकिंग, जहां भी जाना है आई विल गो वॉकिंग। तो ये इस टाइम पे उनकी वॉकिंग की हैबिट पड़ी, जिसको उन्होंने दांडी मार्च तक चला के रखा। इवन वाइल गोइंग फॉर अ दांडी मार्च तो उन्होंने इस चीज को रिकॉल किया था कि लंदन में रह के मुझे पैदल चलने की आदत पड़ी थी। तो आगे चलते हैं फिर क्या हुआ गांधी जी के साथ। इस टाइम पे उन्होंने अपनी लाइफ को हर तरीके से सिंप्लीफाई करना शुरू कर दिया। अपनी लाइफ में डिपेंडेंस लोगों के ऊपर खत्म करनी शुरू कर दी। उनको था कि मैंने पैसे बचाने हैं, मैंने पढ़ाई करनी है, मैं लॉ सीखने आया हूँ, मैं लॉ को बहुत अच्छे से सीखूंगा। लॉ को पास करना लंदन में वॉज वेरी इजी। रादर इफ वी रीड इज माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, तो उसमें उन्होंने ऐसा बताया हुआ है कि आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है, आपको सिर्फ पेपर्स में प्रेजेंट रहना है, एंड यू हैव टू अटेंड सम डिनर्स, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। इट्स नॉट लाइक एनटीएनटी का एग्जाम पास करना, इज डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट देन पासिंग अ लॉ एट दैट टाइम फ्रॉम लंदन। पर उनको ऐसे लगा कि अगर इस तरीके से मैंने पास कर भी लिया देन इट इज नॉट ऑफ एनी यूज फॉर मी। उन्होंने उस टाइम पे काफी स्टडी करी, लॉ को काफी अच्छे से पढ़ने की कोशिश करी, रोमन लॉ को पढ़ा और लैटिन लॉ को पढ़ा, डिफरेंट डिफरेंट जो जो उनको लग रहा था कि एडिशनल सोर्सेज को मैं पढ़ सकता हूँ। हर एक सक्सेसफुल इंसान की लाइफ को अगर हम देखें, वेदर इट इज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, वेदर इट इज गांधी जी और इवन सम प्रेजेंट डे पॉलिटिशियंस ऑल्सो, हम ये इस चीज को नोटिस कर सकते हैं कि दीज ऑल पीपल आर वेल रेड। वो हमेशा ज्यादा बुक्स के पास अपने आप को रखना पसंद करते हैं। तो गांधी जी इस टाइम पे उन्होंने अपनी जो जर्नी है लाइफ की उसको जोड़ दिया सिंप्लीफिकेशन के साथ, वॉक के साथ और डाइट के साथ और बुक्स के साथ। बुक्स का हमने पढ़ लिया, डाइट। उनकी मदर ने उनको बोला था कि आपने मीट नहीं खाना, तो इंटरनली ही ऑलवेज यूज टू फील की स्ट्रेंथ का जो राज है दैट इज ईटिंग मीट, दैट इज ईटिंग नॉन वेज। सो अब उनके पास कोई चारा तो था नहीं, उस टाइम पे उन्होंने पहले एग को खाना शुरू किया।
उनको लगा नहीं नहीं एग तो नॉन वेज में नहीं आता, ये तो वेज में आता है। फिर उनको ऐसा लगा यार मैंने तो प्रॉमिस किया था अपनी मदर को मैं एग खा रहा हूँ। फिर उन्होंने कहा क्या इंटरप्रिटेशन मेरी ठीक है कि एग क्या वेज में आएगा या नहीं आएगा। तो फिर उस टाइम उन्होंने इस चीज को समझा कि जब भी हम किसी चीज का प्रण लेते हैं या किसी चीज का प्रॉमिस करते हैं, इवन इन बिटवीन नेशंस उन्होंने इस चीज को बाद में लिखा था कि इंटरप्रिटेशन के ही हमेशा फाइट्स होती है। तो उन्होंने कहा कि इंटरप्रिटेशन हमेशा वीकर सेक्स के वीकर पार्टी के अकॉर्डिंगली हमें कंसीडर करना चाहिए कि क्या उनकी मदर के लिए एग नॉन वेज में आएगा या वेज में आएगा। देन ही फोर्सिंग एग्स आल्सो कि अकॉर्डिंग टू द वीकर पार्टी इन द कॉन्ट्रैक्ट इट विल नॉट कम इन द वेजिटेरियन राइट। तो उस टाइम पे ही ज्वाइंड अ वेजिटेरियन सोसाइटी, ही केम अक्रॉस अ ग्रुप ऑफ पर्संस जो जेलस वेजिटेरियंस थे जिनको लगता था कि वेजिटेरियन डाइट इज द पेनिशिया ऑफ एवरीथिंग। उन्होंने कोट किया कि इस दुनिया में आज तक जितने भी बड़े महान लोग हुए, वेदर इट इज जीसस द क्राइस्ट, वेदर इट इज पाइथागोरस और कोई भी हम साइंटिस्ट को ले सकते हैं, तो उन्होंने उस टाइम पे इस चीज को समझा कि ऑल दीज पीपल हैव बीन वेजिटेरियंस। देन गांधी रेड अ बुक, द बुक नेम्स इज सॉल्ट प्लीज फॉर वेजिटेरियनिज्म। आई विल ट्राई टू राइट इट इफ इट विल। पेन पे ही करने की कोशिश कर रहा हूं मैं, बट आई एम नॉट वेरी being able to do. Got it. Yes, sir. Got it. Thank you, Bia. ये चाय पिला दीजिए. Yes. Sorry. This is my plea for a good handwriting, and even Gandhiji was not a good at writing, so I'm just trying to follow him, not just in taking the class but also in writing. So salt please for vegetarianism. Yeah, not very used to write on a pad, but I will learn definitely. So salt please for vegetarianism, he came across this book. So starting mein for him the consideration was his mother. Then as he experimented with the diet, different combinations उन्होंने सीखे कि अच्छा स्पिनिच के साथ अगर हम इस चीज को लेंगे तो इट हैज दिस बैड गुड इफेक्ट ऑन आवर बॉडी। देन दिस कंसर्न चेंज टू हेल्थ, उन्होंने फिर उन डिशेस को रेलिश करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि जिन डिशेस के बारे में पहले मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं खा सकता हूँ, दोस डिशेस बिकेम वेरी लुक व्हाट शुड आई से, दोस डिशेस बिकेम सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मी कि रादर मुझे उनका टेस्ट पसंद आना शुरू हो गया। सेम विद हार्डवर्क, अगर हमें हार्डवर्क पहले करना मुश्किल लग रहा है और बाद में हमें आदत पड़ जाए हार्डवर्क करने की, तो वी विल फील कि हार्डवर्क से ज्यादा खुशी हमें कोई चीज नहीं देती। नेटफ्लिक्स नहीं देता, मूवीज नहीं देती, यूट्यूब नहीं देता, नथिंग एल्स गिव्स, बट द रियल जॉय इज इन द एफर्ट। तो उनको वो डाइट के साथ वो एक्सपेरिमेंट्स में उन्होंने इस चीज को फील करना शुरू कर दिया। लेटर ऑन हम देखेंगे कि उनका ये जो कंसर्न था फॉर हेल्थ वो चेंज हो जाता है इनटू कंसर्न फ्रॉम ब्रह्मचार्य। आगे चलते वो ब्रह्मचार्य को अडॉप्ट करेंगे गांधी जी, और लंदन जाने से पहले ही उनके दो बच्चे हो चुके थे, बाद में उनके दो और बच्चे हुए थे, बट 1906 में हम देखेंगे कि उन्होंने ब्रह्मचार्य को अडॉप्ट किया था। उसके बाद वो उनका कंसर्न बन गया था कि डाइट हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट कोरिलेशन विद आवर थॉट्स एंड विद द स्पिरिचुअल लाइफ इफ यू आर विलिंग टू लिव। तो इस टाइम पे गांधी जी ने एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया। सो इट वाज हिज फर्स्ट स्टिंट विद एन ऑर्गेनाइजेशन। सी ही वाज अ मैन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने आगे चल के पूरे देश को ऑर्गेनाइज किया। उन्होंने डिफरेंट क्रीड्स, डिफरेंट सेक्ट्स, डिफरेंट रिलीजन के लोगों को एक साथ जोड़कर आगे चलाया। वेजिटेरियन सोसाइटी उनके लिए पहला वो एक्सपेरिमेंट था, बट सेम द केस हेयर ऑल्सो, ही वाज वेरी शाई, वो किसी से बात नहीं कर पाते थे, वो किसी के सामने अपनी बात को रख नहीं पाते थे। तो उनको एक दो बार ऐसे मौका दिया गया कि आप एड्रेस कीजिए, अ वेरी सिंपैथेटिक ऑडियंस वाज अहेड ऑफ हिम, बट ही वाज नॉट एबल टू एक्सप्रेस। तो धीरे धीरे हारते हारते वो सीखे अपने आप को आगे बढ़ाया, और उनको आगे लेके जाने के लिए जो उनका डर था खत्म किया भगवद गीता ने।
भागवत गीता की चैंटिंग में भागवत गीता के प्रिंसिपल्स हैं। और वो शाइनेस वाली हमने बात अभी डिस्कस करी थी कि उनको लगा कि वो जो शाइनेस वाला भी पीरियड था मेरी लाइफ में दैट आल्सो हैड अ रोल टू प्ले इन माय लाइफ। इस टाइम पे गांधी जी ने भागवत गीता के इंग्लिश ट्रांसलेशन को पढ़ना शुरू किया। इट वॉज रिटन बाय सर आर्नोल्ड। इसी टाइम पे गांधी जी केम इनटू कांटेक्ट विद डिफरेंट रिलीजियस आइडियाज, जैसे थियोसोफिस्ट्स। थियोसोफिकल सोसाइटी आप लोगों ने पढ़ी होगी मॉडर्न हिस्ट्री में। सो ही केम इनटू कांटेक्ट विद मैडम ब्लावेत्स्की। हु वाज मैडम ब्लावेत्स्की? फाउंडर ऑफ थियोसोफिकल सोसाइटी। यस, फाउंडर ऑफ थियोसोफिकल, अलोंग विद अनदर पर्सन, कर्नल ऑलकॉट। यू कैन नॉट से मैडम एनी पेशेंट। आप लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस करी हैं। शी बिकेम अ प्रेसिडेंट लेटर ऑन। यस, तो उस टाइम पे उन्होंने थियोसोफिस्ट्स के कांटेक्ट में आए। उस टाइम पे उन्होंने क्रिश्चियनिटी के बारे में पढ़ना शुरू किया। उन्होंने न्यू टेस्टामेंट पढ़ा, ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ा, सर्मन टू द माउंट पढ़ा। तो उनको लगा कि न्यू टेस्टामेंट डिडंट अपील टू हिम सो मच, ओल्ड टेस्टामेंट उनको थोड़ा सा अपील किया, और उसमें से भी खासकर सर्मन ऑन द माउंट। See, he was a very well-read man. उन्होंने religious scriptures को भी बहुत ज़्यादा detail में पढ़ा। तो इस तरीके से उनका लंदन वाला जो पीरियड था उसके 3 साल कंप्लीट हुए। On 10th June 1891 को उनकी डिग्री कंप्लीट हुई। 11th June 1891 को उन्होंने बार काउंसिल में एनरोल किया और 12 तारीख को ही सेल्ड बैक टू इंडिया। क्लियर? इंडिया में आने के बाद ही came to know that his mother has died. He was not being given this information कि उनके मदर उनके पीछे ही has passed away. So initial days were very troubling for him. So he continued with this struggle. तो उस टाइम पे गांधी जी ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अपना करियर स्टार्ट किया। See, he was a barrister from London. He came, तो उनको था कि I'll make a big start. तो big start के लिए सीधा हाई कोर्ट I'll join, बॉम्बे हाई कोर्ट। And what was the term जिससे उनको रेफर किया जाता था? Anybody? Briefless barrister. He's a barrister who cannot brief. जो जज के सामने जिनकी जो लेग्स हैं वो शेक कर रही हैं। He's a barrister who is briefless. कोई बात नहीं, गांधी जी ने हार नहीं मानी उस टाइम पे भी। He continued उस टाइम पे। उनको बहुत misgivings थी, उनको लगा कि मैं शायद कभी भी अपने लाइफ में सक्सेसफुल ही नहीं हो पाऊंगा। उस टाइम पे गांधी जी केम अक्रॉस ऑल्सो अ पर्सन कॉल्ड रायचंद। रायचंद भाई ही यूज्ड टू कॉल। गांधी जी के स्पिरिचुअल गुरु की अगर हम बात करें, इट वॉज दिस पर्सन रायचंद। इनको हम राजचंद्रा के नाम से भी जानते हैं। रायचंद जी को इंट्रोड्यूस किया था गांधी जी को बाय डॉक्टर पीजे मेहता, जिन्होंने उनको इंग्लिश स्टिंट ऑफ लाइफ के बारे में इन्फ्लुएंस किया था कि आप इंग्लिश कल्चर सीखिए। उन्हीं के ही एल्डर ब्रदर के ये सन इन लॉ थे। रिश्ता क्या था उसमें नहीं जाना, बस रायचंद को उनको इंट्रोड्यूस किया था डॉक्टर पीजे मेहता ने। रायचंद जी के इन्फ्लुएंस में आने के बाद गांधी जी ने ब्रह्मचार्य के बारे में सोचना शुरू किया। गांधी जी की अगर हम लाइफ में 3 सबसे बड़े इन्फ्लुएंसेस की बात करें, उसमें एक थे रायचंद जी, सेकंड थी एक बुक रस्किन की, दिस इज आई ओवर, दिस इज अ डॉट ओवर आई, या रस्किन्स ऑन टू द लास्ट, थैंक यू भैया, हाउ कैन आई चेंज दिस, और एक और बुक थी टॉलस्टॉय की बुक थी द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। सो ये 3 मेजर इन्फ्लुएंसेस थे गांधी जी के जीवन में, जिसमें एक हमने रायचंद जी को पढ़ा,
टू द लास्ट की भी हम रेलिवेंस को आगे चल के समझेंगे कि गांधी जी ने जैसे आश्रम से हम गांधी जी के साथ जोड़ कर देखते हैं, फिनिक्स आश्रम, टॉल्स्टॉय फार्म, इंडिया में आके उनके तीन आश्रम बने, सत्याग्रह आश्रम, साबरमती आश्रम और सेवाग्राम आश्रम, वार्धावली आश्रम का एक और नाम था सेवाग्राम आश्रम। तो जब उन्होंने अनटू द लास्ट को पढ़ा था उसके बाद उन्होंने इमीडिएटली नेक्स्ट डे ही ये डिसाइड कर लिया कि मैं आश्रम लाइफ को जीऊंगा, अपनी आगे परस्यू करूंगा। क्लियर? तो इस टाइम पे गांधी जी ने वापस आके बॉम्बे में प्रैक्टिस शुरू करी और बॉम्बे में ही वॉज एन अटर फेलियर, ही वॉज नॉट एबल टू ब्रीफ द केसेस इन फ्रंट ऑफ द जज। उन्होंने सोचा कि ठीक है मैं वापस अपने होम टाउन चला जाता हूँ, राजकोट चला जाता हूँ, वहां पे जाके मैं बहुत ही नॉमिनल लेवल पे काम कर सकता हूँ। टू गिव यू अ रेफरेंस, नॉट एग्जैक्टली बट जैसे नोटरी का काम होता है उस टाइप का काम गांधी जी ने शुरू किया, नॉट एग्जैक्टली बट समथिंग रिलेटेड टू कि ऑफिस वर्क जिसमें ज्यादा काम हो, नॉट एनालिटिकल काम ज्यादा हो। तो गांधी जी ने स्टार्ट किया कि ठीक है मेरा कुछ घर चलना शुरू हो जाए किसी भी तरीके से। ठीक है, तो उसी टाइम पे एक जॉब ऑफर आती है गांधी जी को जो उनकी लाइफ को बदलेगी। वो जॉब ऑफर थी बाय अ पर्सन कॉल्ड सेठ अब्दुल्ला। हु वाज सेठ अब्दुल्ला? यस, ही वाज अ मुस्लिम मर्चेंट इन साउथ अफ्रीका हु वाज लिविंग इन द प्रो हु वाज लिविंग इन नेटल। तो वहां से गांधी जी को ऑफर आती है बिकॉज ही वॉन्टेड अ बैरिस्टर टू कम, और खासकर गुजराती लीनियज का बैरिस्टर ही वॉन्टेड टू हायर। तो उनको उस टाइम पे गांधी जी ही लगे, एंड गांधी जी को जब जॉब के बारे में समझाया गया तो उनको लगा कि क्लेरिकल पोजीशन है, नॉट मच चैलेंजिंग, आई कैन टेक अप दैट। गांधी जी सेल कर जाएंगे फिर 1893 में टू साउथ अफ्रीका, बट साउथ अफ्रीका में कुछ उनको उनके लिए वेट कर रहा था। क्या वेट कर रहा था? गांधी जी की वेट कर रहा था। उन्होंने अभी तक दीवान के घर पे पैदा हुए थे, फादर दो स्टेट्स में चीफ मिनिस्टर रह चुके थे, पोरबंदर की स्टेट में ही वाज अ वेरी हाई ऑफिशियल, फिर राजकोट में ही वाज अ वेरी हाई ऑफिशियल, लंदन गए तो उस टाइम पे भी वो ब्रिटिशर्स के साथ ही उन्होंने काम किया था, तो उन्होंने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन देखी नहीं थी। बट एज ही मूव टू साउथ अफ्रीका उन्होंने देखा कि वहां पे इंडियंस की हालत इज वेरी पुअर, वहां पे इंडियंस को एक नाम से बुलाया जाता था। एनीबडी बोलिए, कुछ कुछ क्लासेस रिवाइज करी हैं, पूरी नहीं भी करी तो भी कोई बात नहीं। सो सारे इंडियंस को वहां पे एक ही नाम से बुलाया जाता था, कुली, ए कुली। तो गांधी जी को बोलने शुरू कर दिया कुली बैरिस्टर, इज ए कुली बैरिस्टर। तो गांधी जी उस टाइम पे एक इंसिडेंट से गुजरेंगे जिसने उनको मजबूर किया टू लॉन्च अ मूवमेंट, अ मूवमेंट ऑफ जो टर्न अराउंड साबित हुआ उनकी लाइफ में, दैट वाज बताओ हिस्ट्री स्टूडेंट्स आपने पढ़ लिया है ऑलरेडी, He was thrown out of the train. First class coach. Very good. So he was traveling to meet his client Sheikh Abdullah. तो रास्ते में एक स्टेशन आएगा Maritzburg. तो Maritzburg पे like Gandhiji was traveling to meet his employer Sheikh Abdullah. तो उस टाइम पे ट्रेन में चेकिंग हो रही थी, they found out कि इंडियन a coolie. जिनको कुली के नाम से रेफर किया जाता था, इस ट्रेवलिंग फर्स्ट क्लास इन रेलवे टिकट, ऑन अ रेलवे टिकट, फर्स्ट क्लास रेलवे टिकट। तो उन्होंने गांधी जी को कहा कि यू आर नॉट अलाउड टू ट्रेवल फर्स्ट क्लास, क्योंकि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वाज अ नॉर्म इन साउथ अफ्रीका। इंडियंस वर नॉट अलाउड कि वो फुटपाथ को यूज कर सके, दे वर नॉट अलाउड कि वो रात को घर से बाहर निकल सके, दे वर नॉट अलाउड टू ट्रेवल फर्स्ट क्लास ऑन अ रेलवे टिकट, दे वर नॉट अलाउड टू ओन अ होटल, होटल में रूम नहीं बुक करा सकते। तो अगर हमने अभी एक दिन पहले स्वतंत्रता दिवस मनाया है, हम उसकी वैल्यू को नहीं समझते हैं कि हमारे पास फ्रीडम है, फ्रीडम टू डू व्हाट, फ्रीडम नॉट टू हैव बियर रात को दो तीन बजे घूमना, ऐसे नॉट फ्रीडम फॉर दैट, फ्रीडम टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ आवरसेल्फ्स, फ्रीडम टू डू व्हाट एवर वी वॉन्ट टू डू इन अ गुड स्पिरिट। तो ये पाबंदियां थी इंडियंस के ऊपर,
जस्ट बिकॉज कि वो इंडियंस हैं, तो एक पूरी जनरेशन आफ्टर जनरेशन ने वो सैक्रिफाइसेस किए हैं तो हमें वो फ्रीडम मिली है, और हमें वो फ्रीडम को नेटफ्लिक्स के ऊपर वेस्ट नहीं करनी है, यूट्यूब पर वेस्ट नहीं करनी है। तो मेरिट हम लोग सर किस ईयर में गए थे ये साउथ अफ्रीका? 1893। ठीक है सर। तो मैरिट्सबर्ग में क्या हुआ, ऐसे चेकिंग हो रही थी, गांधी जी को बोला गया कि यू मूव टू थर्ड क्लास, यू नॉट अलाउड टू ट्रेवल फर्स्ट क्लास। ही रिफ्यूज्ड, उनको मैरिट्सबर्ग से स्टेशन पे उतार दिया गया कि हम आपको आगे नहीं लेके जा रहे। इट वॉज अ कोल्ड नाइट, गांधी जी का जो सामान था वो भी ट्रेन में ही रह गया था, उनको निकाल दिया था, इन द सेंस ऐसे नहीं कि जाइए आप, उनको धक्का मार के बाहर फेंका गया था। उस टाइम पे गांधी जी ने वो पूरी रात बिताई ठंड में बेंच के ऊपर बैठ के, और उन्होंने कहा, आगे चल के वो लिखते हैं गांधी जी, कि उस रात मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं था कि मैं ठंड में बैठा हूं, मेरे पास ओवरकोट नहीं है, मेरे लिए उस टाइम पे ये चीज इंपॉर्टेंट थी कि सिर्फ एक स्किन के कलर के बेस पे एक इंसान किसी दूसरे इंसान को प्रताड़ना कैसे दे सकता है, उसको इस चीज को लेकर कैसे खुशी मिल सकती है कि मैंने एक डार्क स्किन इंसान को बाहर निकाल दिया और मैंने अपने कर्तव्य निभा दिया। तो वो एक थॉट प्रोसेस गांधी जी के अंदर शुरू कर देगा। इस टाइम पे गांधी जी इस इंसिडेंट के बाद बोला जाता है कि ये कैटलिस्ट था गांधी जी की लाइफ में, जिसके बाद ही विल लॉन्च फर्स्ट सेल्फ सत्याग्रह एंड देन सत्याग्रह। व्हाट इज सेल्फ सत्याग्रह, ऐसा क्या वर्ड आ गया? उन्होंने या प्लीज इंडिविजुअल सत्याग्रह। सी आई वाज आस्क्ड दिस क्वेश्चन इन इंटरव्यू आल्सो, मैंने हिस्ट्री के स्टूडेंट्स से डिस्कस किया था, मुझसे इंटरव्यू में पूछा था कि क्यों लोग आजकल गांधी जी के जो कदम है उनके ऊपर नहीं चल रहे हैं, उनकी बताई हुई बातों के ऊपर नहीं चल रहे हैं। तो दिस इज द आंसर इफ सम क्वेश्चन कम लाइक दिस, कि पीपल आर नॉट ट्रांसफॉर्मिंग देमसेल्व्स, हमारा फोकस इज नॉट सो मच ऑन टू ट्रांसफॉर्म आवर कैरेक्टर, वी आर फोकसिंग मोर ऑन कि हमें ये बनना है, मुझे इस पोजिशन पर बैठना है। उस पोजिशन पर बैठने के लिए एक इंटरनल रिफॉर्म की जरूरत है, जिसको हम सेल्फ सत्याग्रह के नाम से जान सकते हैं। तो गांधी जी ने पहले सोचा कि जो मेरे अंदर कोई सेल्फ इंटरेस्ट है, कोई मेरे अंदर कोई सेल्फिशनेस है, पहले मुझे उसे अपरूट करना है, बिकॉज अगर किसी सामने वाले ने मुझे बाहर निकाला है, इट सिंबलाइजेस हिज सेल्फिशनेस, इट सिंबलाइजेस हिज नेचर, जिसमें वो खुद किसी चीज में फंसा हुआ है। तो अगर मेरे अंदर कोई चीज है, पहले मैं उसको अपरूट करूंगा। लेटर ऑन ही लॉन्च सत्याग्रह। तो इन इंसिडेंट्स के साथ होते हुए गांधी जी ने जो साउथ अफ्रीकन कम्युनिटी थी उनको कहीं ना कहीं पे अवेयर करना शुरू किया उनके राइट्स के लिए, कि आपको एक साथ मिलकर इनको प्रोटेस्ट करना चाहिए। साथ साथ जो केस था वो भी चल रहा था, और ये भी जो एक्टिविटी थी सोशल रिफॉर्म वाली ये भी चल रही थी। तो इस टाइम पे जब जो केस था गांधी जी ने उसको स्टडी करना शुरू किया, एंड ही रिकॉग्नाइज्ड कि दिस केस रिक्वायर्स डी नॉलेज इन अकाउंटिंग, और गांधी जी को तो लॉ भी नहीं आता सही से, चाहे उन्होंने बहुत बुक्स पढ़ी थी लॉ के बारे में, बट उनको इतने डाउट्स थे अपने ऊपर, उनको लग रहा था कि मैं अल्टीमेट कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाता हूं चीज के, तो लॉ भी नहीं आता और अकाउंटिंग भी नहीं आती। तो उस टाइम पे बटे कहते ड्राइव ने मुझे हेल्प किया कि मैंने अपने आपको पूरे तरीके से झोंक दिया अकाउंटेंसी में भी और लॉ में भी, और पहली बार ऐसा हुआ कि जो मेरा चैलेंज था वो मेरी कैपेबिलिटी के बराबर लगने लग गया। सेम कैन बी फॉर एनटी एग्जाम और फॉर एचएएस एग्जाम, अगर हम अपने पूरे तरीके से झोंक देंगे तो डेफिनेटली वो हमारी कैपेबिलिटी के रेंज में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि मैंने जब केस को बहुत डीपली अपने आप को इन्वॉल्व कर लिया, देन आई रियलाइज कि जो मेरा क्लाइंट था जिन्होंने उनको हायर किया था सेठ अब्दुल्ला, जो जस्टिस था इट वॉज ऑन हिज साइड। ये जो केस था एक्चुअली में वो सेठ अब्दुल्ला और उनके कजन के बीच में था, एंड नो पार्टी न्यू कि किसका कितना हक बनता है चीजों के ऊपर, ओनली गांधी जी न्यू। तो गांधी जी ने कहा कि अगर केस को लंबा खींचना है तो मैं खींच सकता हूँ, नॉट एन इशू, बट
इससे जो दोनों पार्टीज है उनको किसी को भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो उन्होंने रादर आर्बिट्रेशन को रिकमेंड किया। हम अपने जीएस के आंसर्स में भी इस केस को रेफर करके आर्बिट्रेशन की इंपॉर्टेंस दिखा सकते हैं, बिकॉज आर्बिट्रेशन इज समथिंग वेरी इन दीस डेज। तो गांधी जी कहते हैं कि मैंने आर्बिट्रेशन को रेकमेंड किया ताकि जो फैमिली वेज है, फैमिली में दो भाई लड़ रहे हैं तो एक डिस्टेंस बना हुआ है, वो डिस्टेंस मुझे बढ़ाना नहीं है, मुझे कम करना है, मुझे एज अ लॉयर नहीं सोचना है, एज अ ह्यूमन बीइंग सोचना है। तो उन्होंने उन दोनों को बिठाकर आर्बिट्रेशन करवाई, सेठ अब्दुल्ला को उन्होंने कन्विंस किया कि आपका भाई आपको 37,000 पाउंड जो भी अमाउंट थी वो आपको देगा, यानी इंस्टॉलमेंट्स देगा। उन्होंने कहा काफी मुश्किल था उसको कन्विंस करना, बट ही गेव हिज कंसेंट आल्सो। देन ही रियलाइज कि द ट्रू पर्पस ऑफ अ लॉयर इज टू कनेक्ट द पार्टीज हु आर रिवन असुंडर, जो पार्टीज एक दूसरे से के खिलाफ लड़ रही हैं उनको अल्टीमेटली साथ लेकर आना ही एक लॉयर का असली मकसद होना चाहिए। आगे चल के वो जर्नलिज्म को अडॉप्ट करेंगे तो फिर जर्नलिज्म के किसी ऐसे पर्पस को समझेंगे, फिर वो पॉलिटिक्स को अडॉप्ट करेंगे पूरे तरीके से तो पॉलिटिक्स के ऐसे किसी पर्पस को समझेंगे। तो ये जो सारी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं उनकी जुड़ रही थी सेल्फलेस सर्विस के साथ। उन्होंने अपनी हर एक चीज की लाइफ को सेल्फलेस सर्विस के साथ जोड़ा, चाहे वो जब उन्होंने लॉ प्रैक्टिस करी, चाहे उन्होंने जर्नलिज्म को प्रैक्टिस किया, चाहे उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया। क्लियर? तो इस टाइम पे उन्होंने फोकस था लोगों की हेल्प करना। तो जब लोगों की हेल्प करनी है तो ऐसा होता है कि जब आप किसी की हेल्प करोगे तो भगवान आपका अपने भला करता है। तो गांधी जी का ट्रस्ट लोग कम्युनिटी में डेवलप होना शुरू हो गया है, इंडियन कम्युनिटी में वहां पे, कि ही इज अ पर्सन जो कि प्रॉफिट मोटिव से नहीं कर चल रहा, ही इज ट्राइंग टू हेल्प अस एज वेल। तो उनके पास केसेस और भी ज्यादा आने लग गए। उस टाइम पे गांधी जी की प्रैक्टिस काफी ज्यादा अच्छे से चल पड़ी। इट इज सेड कि उन्होंने 20,000 के आसपास जो पाउंड डॉलर्स हैं, 20,000 पाउंड्स हैं डॉलर्स हैं, जस्ट गॉट कंफ्यूज्ड, 20,000 पाउंड्स ईयर के आसपास उन्होंने कमाने शुरू कर दिए। सो जो उनका करियर स्टार्ट हो रहा था विद द टैग ऑफ ब्रीफलेस बैरिस्टर, वो कहीं ना कहीं पे सक्सेस दिखाना शुरू कर दिया उसने। और वो कहां से दिखाया उसने? थ्रू द आइडियल ऑफ सेल्फलेस सर्विस। तो इन सारी चीजों का गांधी जी की थिंकिंग के ऊपर असर पड़ रहा था कि जब मैंने अपने लिए करना शुरू किया किसी काम को, देन आई वॉज नॉट सक्सेसफुल, बट जब मैंने उसका पर्पस चेंज कर लिया, किसी और के लिए करना शुरू कर दिया, तो मेरी सक्सेस उसी के अंदर ही थी। तो ये गांधी जी की पर्सनैलिटी फॉर्म हो रही है इन सारी चीजों से। क्लियर? तो गांधी जी ने केस भी सॉल्व करवा दिया, तो केस के लिए उनको बुलाया गया था, डिसाइड हुआ कि ठीक है वो जाएंगे, तो जाएंगे तो क्या होगा, फेयरवेल पार्टी होगी। तो जब फेयरवेल पार्टी हो रही थी तो उसी टाइम पे पता लगा कि लेजिस्लेशन को पास किया जा रहा है। और वो क्या लेजिस्लेशन थी? एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट। एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट 1906 में। ठीक है। वो भी आगे चल के आएगा, अभी नहीं आया। सर सेटलमेंट। सेटलमेंट। ओके। तो मैं थोड़ा सा आपको रिटर्न मटेरियल भी दूंगा जिसमें ये जो चारों चीजें जो आप लोग बोल रहे हैं वो डेफिनेटली हुई थी, बट उनके टाइम पीरियड्स अलग अलग थे। तो हो क्या रहा था, अगर हम अफ्रीका की बात करें, जो इंडेंचर्ड लेबरर्स थे, इंडेंचर्ड लेबरर्स कौन होते हैं? इनके पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूशन कराए थे राजकोट में वो। इंडेंचर्ड लेबरर्स को अगर हम आजकल के टाइम के अकॉर्डिंगली समझने की बात करें तो बॉन्डेड लेबरर्स। Is this not working? Okay. देखो, ब्रिटिशर्स इंडिया से कुछ लेबरर्स को लेकर गए थे इन डिफरेंट कॉलोनीज जहां पे उनसे काम कराया जाता था, उनको किसी बॉन्ड के तहत बांध के लेके जाया करते थे। तो ऐसे ही इंडिया से भी गए थे और कॉलोनी से भी जाते थे, इंडिया से भी जाते थे।
सो इंडिया से ये लोगों का कॉन्ट्रैक्ट होता था फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम कि आप लोगों ने 5 साल रहना है, 3 साल रहना है, 10 साल रहना है. कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद उनको इंडिया या तो वापस आना होता था या अपने कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करना होता था या आप वहां पे सेटल भी हो सकते हो आफ्टर पेइंग सम टैक्स. तो उस टाइम पे जो इंडियन इंडेंचर्ड लेबरर्स थे उन्होंने जिन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट कर लिया था जितने भी उनका टाइम पीरियड का था उसके बाद उन लोगों ने क्या किया एडिशनल टैक्स पे करके वहां पे खुद जगह को एक्वायर करना शुरू कर दिया. खुद वो मर्चेंट बनने शुरू हो गए कि हम खुद पहले यहाँ पे लेबर करते थे अब हम ही यहाँ पे लैंड को खरीद के प्रोडक्शन करेंगे और उसको बेचेंगे. तो उन लोगों ने उस कम्युनिटी ने ग्रो करना शुरू कर दिया विच वॉज अ चैलेंज फॉर यूरोपियंस यूरोपियन प्लांटर्स ओवर देयर. तो उनको सब्यू करने के लिए जो साउथ अफ्रीकन ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने सोचा कि हम इन लोगों से राइट्स को छीनेंगे वन आफ्टर अनदर. वो लेजिस्लेशंस को लेकर आएंगे जो आपने लेजिस्लेशंस अभी बात करी. तो एट दिस टाइम दे ब्रॉट अ लेजिस्लेशन जिसमें ये बोला गया कि इनसे फ्रेंचाइज को छीन लिया जाए. क्या होता है फ्रेंचाइज? वोटिंग राइट्स. किसी राइट्स के वोटिंग राइट्स को टू बी स्पेसिफिक वोटिंग राइट्स को छीन लिया जाए. तो फेयरवेल पार्टी के अंदर ये न्यूज को ब्रेक किया जाता है कि ऐसे ऐसे ब्रिटिश नेटल गवर्नमेंट इस चीज को डिसाइड कर रही है. तो गांधी जी ही ऐसे थे वहां पे जिनको इंग्लिश आती थी जिन्होंने इंग्लैंड में पढ़ाई करी थी. तो कम्युनिटी ने उनको कहा कि सर आप यहीं पे रुकिए आप हमारी हेल्प कीजिए कि इस बिल को हम अपोज कर पाए क्योंकि आपने भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को जिया है और आपने हमें जागरूक भी किया है कि हम रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से अपने आप को जुड़कर उसके अगेंस्ट फाइट करें. तो उस टाइम पे वो कहते हैं कि जो फेयरवेल पार्टी थी वो एक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में ही बदल गई. हर किसी ने अपना रोल को अज्यूम करना शुरू कर दिया कि मेरा रोल ये होगा मेरा रोल ये होगा अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी. क्लियर? तो ऐसे इस तरीके से एक सिग्नेचर का कैंपेन चलाया गया. 10,000 सिग्नेचर्स को इकट्ठा किया गया और प्रेजेंट किया गया टू लॉर्ड रिपन. लॉर्ड रिपन कहां से आ गए इस टाइम पे? साउथ अफ्रीका में. कौन थे रिपन वैसे? कभी सुना है नाम रिपन का? कौन थे? वाइसरॉय थे जिनको काफी ज्यादा पसंद भी किया जाता था इंडियंस के द्वारा. उस टाइम पे जो लॉर्ड रिपन थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे फॉर कॉलोनीज ऑफ साउथ अफ्रीका. उनको ये 10,000 सिग्नेचर वाला पेटिशन साइन करके दिया गया कि आप इस बिल को पास मत कीजिए. बट वो बिल फिर भी पास हो जाता है, वो फिर भी एक्ट बन जाता है. तो गांधी जी उस टाइम पे एक अपनी जर्नी शुरू करेंगे इन अपोजिंग द डिस्क्रिमिनेटरी लेजिस्लेशन जो आगे चलकर भी हम आगे देखेंगे. तो गांधी जी के जो साउथ अफ्रीका में आगे जो फेज चलेगा उसको हम दो पार्ट्स में देखेंगे. वन इज तो गांधी जी के जो फेज था यहाँ पे सत्याग्रह का उसको हम दो फेजेस में बांट सकते हैं. फर्स्ट है 1894 से लेके 1906 तक का जिसको हम बोलते हैं मॉडरेट फेज जिसमें गांधी जी का जो फोकस रहेगा वो किसके ऊपर रहेगा. हमने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा है क्लास में ऑलरेडी मॉडरेट फेज को हम किस टर्मिनोलॉजी से रिप्रेजेंट करते हैं. कौन सा फॉर्मूला दिया था हमने? 3P फेज जिसको हम बोलते हैं. दैट इज प्रेयर्स प्रेयर पिटिशन एंड प्ली. तो जिसमें वो ब्रिटिशर्स को ज्यादा प्रेयर पिटिशन और प्ली के साथ अपने पॉइंट ऑफ व्यू में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं. दैट इज 3P फेज. और आगे चल के 1906 से लेकर कब तक रहे थे गांधी जी साउथ अफ्रीका में? 1914 जिसको हम बोलते हैं सत्याग्रह फेज जिसमें उन्होंने जो उनकी आइडियोलॉजी थी सत्याग्रह उसको एक्चुअली में डिवाइस किया. सत्याग्रह क्या है, क्या ये टेक्नोलॉजी थी, क्यों ये चेंजेस आए, ये हम कल स्टडी करेंगे बिकॉज हम इस क्लास को एक घंटे से ज्यादा हम नहीं आगे इंक्रीज करना चाहते. आई विल जस्ट एंड विद बोयर वॉर. 1899 में ब्रिटिशर्स एक वॉर करते हैं अगेंस्ट लोकल कम्युनिटी जिसको बोलते हैं बोयर वॉर. इसमें गांधी जी का क्या कंट्रीब्यूशन था?
उन्होंने एम्बुलेंसेस प्रोवाइड कराई थी। गांधी जी का एक पैशन बन गया था नर्स करना, लोगों का नर्स करना, इन द सेंस कि अगर किसी, जैसे हम हॉस्पिटल में नर्सेस को देखते हैं, वेदर मेल और रिलीफ, तो कोई भी जिसकी सेवा करना जिसमें उनको आनंद आता था, कि अगर किसी को कोई फिजिकल इशू है तो उसको नर्स करना, जैसे हम प्लेग भी अगर कभी हो रहा था, प्लेग ब्रेकआउट होता था, तो गांधी जी पहुंच जाते थे कि प्लेग में जाके लोगों की हेल्प करना, इस चीज को छोड़ के कि उनको क्या होगा। जब कोविड आया था, मैंने गांधी जी को थोड़ा बहुत पढ़ा है अपनी लाइफ में, जैसे मैंने मास्टर्स परस्यू करी थी और उसके बाद इंटरव्यू में भी हमें ज्यादा पढ़ना पड़ता है, मास्टर्स में तो कम पढ़ा था, बट इंटरव्यू की प्रिपरेशन के दौरान मैंने गांधी जी को बहुत डिटेल में पढ़ा था। तो फिर कोविड आया तो मैं उस टाइम पे ये सोचता था कि अगर आज गांधी जी जिंदा होते तो जैसे हमने कोविड के टाइम पे फिजिकल डिस्टेंसिंग के नाम पे सोशल डिस्टेंसिंग करी, लोगों को आइसोलेट कर दिया, और ग्रीस में भी ऐसे केसेस आए, इटली में ऐसे केसेस आए कि बूढ़े लोगों को छोड़ दिया गया मरने के लिए, तो अगर गांधी जी आज के टाइम पे जिंदा होते कोविड जैसी महामारी के दौरान, तो ही वुड हैव बीन द फर्स्ट पर्सन टू गो एंड सर्व इन एन आईसीयू वार्ड। डेफिनेटली वो आज के टाइम पे मास्क जरूर पहन लेते, सैनिटाइजर जरूर यूज कर लेते, उस टाइम पे तो वो नहीं करते थे ऐसे, बट उनके लिए पैशन बन गया था। तो बोयर वॉर में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, उन्होंने एम्बुलेंस कॉप्स को ऑर्गेनाइज किया, इंडियंस को उन्होंने इनकरेज किया कि हम ब्रिटिशर्स की हेल्प करेंगे, हम ब्रिटिश क्राउन के ही सिटीजन्स हैं, ये इंडिविजुअल ब्रिटिश ऑफिसर्स की गलती है जो हमारे साथ गलत ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ब्रिटिश क्राउन की गलती नहीं है, उनका यह लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट था, तो हमें ब्रिटिशर्स की हेल्प करनी है। तो काफी इंडियंस को इकट्ठा करके 1000 के करीब वो एम्बुलेंस कॉप्स में उनको हेल्प करेंगे, फाइटिंग सीन पे भी वो जाते थे जहाँ पे फायर हो रहा होता था, उसमें भी उन्होंने बहुत ही वेलिएंटली उनको हेल्प किया। तो इसके बाद उनको बॉयर वॉर मेडल भी से भी सम्मानित किया गया था। तो आज की हम क्लास को यहीं पे ही फिनिश करते हैं, बिकॉज हमारी पेंसिल भी यहाँ पे फिनिश हो चुकी है। तो थैंक यू सो मच, कल हम 1899 की वॉर के बाद आगे का स्टडी करेंगे। कल हमारा गांधीयन फेज इन साउथ अफ्रीका भी खत्म हो जाएगा और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से भी रिलेटेड काफी हमारा, आई विल ट्राई टू कवर दैट एज वेल। फिर हम हमारा मैक्सिमम फोकस करने की कोशिश करेंगे ऑन एमसीक्यूज। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर।